इस वक्त असी खड़े हाँ जिला गुरदासपुर के हलका बटाला दे विच जिथे उच्च कोटि के साडे नेता आ वर्कर कह लिए समाज सेवक कह लिए गुरेज नहीं करांगे जिन्होंने समाज के अपनी उच्ची जिहड़ी शख्सियत वजो एक वखरा नाम बनाया आ। गल करदे आ मौजूदा हालातों के उपर कि इस वेले जिहड़े मौजूदा हालात देश दे विच खासकर पंजाब दे बने हुए हैं ते राजनीतिक पार्टियां जिहड़ियां आ पंजाब दे मौजूदा हालातों तो जिथे लड़ाई लड़ रही पर खासकर कैप्टन अमरिंदर सिंह जिथे लड़ाई लड़ रहे हैं पर जेकर दूजिया पार्टियां की गल करिए हर कोई पार्टी किसानों की ना सोच के अज राजनीतिक रोटियां जो सेकन में लग्या होया है। उत्थे जे मोदी सरकार की गल करिए मोदी सरकार तस तो मस नहीं हो रही लेकिन किसान अपने निर्णय से अड़े आ। गल करते इन्हों कि इन्हों का की कहना है तो इस सारे मुद्दे देखते की करते हैं। माई सैल्फ मनजीत सिंह हंसपाल वाइस चेयरमैन प्रदेश कांग्रेस OBC डिपार्टमेंट। मैं सब तो पहला अपने वालों अपने परिवार वालों अपनी कांग्रेस पार्टी वालों अपने शहर वासियों अपनी स्टेट के वासियों और अपने देश वासियों दिवाली के मौके पर नेड़े दिवाली आ रही है मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना और चाहना कि जोड़ा साढ़े तो माड़ा दौर जोड़ा करोना का साडे देश के उत्तों लंघ रहा वो दौर खत्म होवे और ये जी दिवाली है साढ़े देश के वासियों वास्ते बड़ी शुभ और बड़ी खुशियां लैके आए। दूजे नंबर पर गल मैं करनी चाहना मैं अपने देश के पंजाब के वासियों जागृत करना चाहना इस मुद्दे के उपर कि आज़ादी तो बाद किन्ने प्रधानमंत्री इस देश दे विच बने किन्ने सियासी पार्टियां ने अपनी अपनी ताकत हटाईया पर इस वेले जो BJP की सरकार जो साढ़े देश दे विच चल रही है असी वेख रहे हैं एक आम आदमी देख रहा एक वक्री किस्म की गंदी राजनीति जी खेडी जा रही है खास करके साडे पंजाब दे लोकां नाल और किसान लोगों के नाल जी गंदी राजनीति कर रही जी ये मैं बड़े परजोर शब्दों के निखेधी करदा और ये कहना चाहना कि मोदी साहब और BJP नूं मैं ये गल कहनी चाहना पंजाबियों वालों कि पंजाबी वो लोग ने जिन्हां देश की आज़ादी दे विच सब तो वध कुरबानियां का हिस्सा पाया और सब तो वध देश दे अन्न भंडार दे विच हिस्सा पाया इस करके कोई भी ऐसी सियासी चाल जिहड़ी आ उन्हां दी आवाज़ दबी नहीं जा सकती इस करके मैं ये गल कहनी चाहना कि बाज आ जाओ क्योंकि सियासी सरकारां बदलदियां रहिंदियां ने पर पंजाब दे लोकां ने हमेशा अगे हो के सारी सेवा जिहड़ी आ देश दी कीती है इस करके पंजाबियों दे नाल ये धोखा ना किया जाए। सर उत्थे तुसीं देख रहे हो कि नौजवान जिहड़े आ इस वेले सड़कां ते बैठे आ ते नौजवानां नूं जे गर्म खून नूं जे आ जे ना सांभिया गया ते हालात 84 वाले भी हो सकदे जो मौजूदा हालात चल रहे आ। मैं यही ये मेरी चेतावनी रूप दे विच ये मेरा बयान होएगा क्योंकि मैं पहलां भी कहा कि किन्नियां सरकारां ने इस सरकार दे विच देश दे विच पंजाब दे विच सरकारां बनाईयां पर यह वक्री किस्म की जी सियासत है ये नहीं होनी चाहिए। इस वेले साडे कांग्रेस के जिहड़े लीडर ने साडे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और उन्हां दी सरकार पंजाब विच चल रही है और सानू उन्हां तो पूरी पंजाब दे वासियां नूं पूरी उम्मीद है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने समय समय से पंजाबियों वास्ते और अपने साथियों वास्ते हमेशा कुरबानियां कीतियां अपने किसानों वास्ते हमेशा कुरबानियां कीतियां इस करके सानू पूरी उम्मीद है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और साडी सरकार जिहड़ी आ किसानां दी लड़ाई जिहड़ी आ तगड़े होकर लड़ रही है और इन फ्यूचर भी जिहड़ी आ सानू कोई भी ऐसा असीं नहीं चाहुंदे कि पंजाब दे विच कोई ऐसा दुबारा टकराव होवे क्योंकि पंजाब ने पहलां ही अतवाद का जिहड़ा बहुत ज़्यादा संताप हंडा चुके है पंजाबी साडे लोग चाहे वह हिंदू हन चाहे सिख भरा हन क्योंकि इत्थे सांझी वालता का पैगाम देण वाले लोग वसदे हन पंजाब दे विच इस करके मैं BJP वालों और खास करके मोदी अपने प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कहनी चाहना एक गल कि कोई भी ऐसा बीज इतने ना बीजा जाए जिस दे नाल पंजाब दे विच नफरत पैदा होवे पंजाब दे विच ऐसा बीज ना बीजा जाए जिस नाल जिहड़ी आ नफरत पैदा होवे। हुण असीं गल करांगे एक समाज सेवक साडे नाल उच्च कोटि दे राजनीतिवान जिन्हां ने बटाले दे विच एक राजनीतिवान वजो एक वखरा जिहड़ा अपना रोल निभाया। नमस्कार सर। मैं इस मौके ते दिवाली दी देश वासियों को बाहर के जिहड़े विदेशी ने उन्होंने बधाई देना नाल मैं कहना हाँ जो ने किसानों का कानून पास किया है वो मैं पूछना चाहना वा ए मोदी जा रहा मैं लोगों के भले वास्ते काम कर रहा है लोगों के भले वास्ते काम कर रहा अज महीने तो किसान साडे भरा सड़कों से धक्के खा रहे हैं रात मुजहरे करते पे जे मोदी साहब नूं इन्ना चाहिए उन्होंने आके सुर लवे कहे भी मैं कानून ताडी खातर मैं कैंसल कर देना वा अभी जिदा लोगों का भला हो सके लोगों का भला हो सके लेकिन सर कभी ताडा भी एडा वड्डा राजनीतिक जीवन आ कभी देखिया कि पंजाब के जो मौजूदा हालात आ कि इस तरह के हो सकते सी सरकार चाहे तो इनू हटा भी सकती हूँ तो अज याद आ गया अज तो बाद टाइम
यह जहाँ हालात बनते थे हूँ दोबारा उस तो बाद आन का हो गया। मैं मोदी साहब कहना रब की मेहर करो साढ़े पंजाब हथ रखो यह जहाँ तो बाद ना लिया असं जो काले दिन देखे ने काले दिन सू दिखाओ ना पंजाब के जो मौजूदा पहला जो हालात से बड़े खराब से तो इन्होंने कहा कि रब ना करे कि वह हालात जोड़े आ दोबारा पंजाब की लोगों देखने पैन क्योंकि पंजाब पहला ही बहुत संताप जोड़ा आ भोग चुकया। लेकिन पंजाब भी हमेशा तो जिते मुगलों के हमले हुए आ अंग्रेजों ने राजनीति की आ पर पंजाब फिर भी देश का अन्नदाता रहा आ किसान फिर भी देश का अन्नदाता रहा आ और किसान ने फिर भी अन्नदाता रहना। लेकिन इतने सरकार हूँ सोचने की जरूरत आ कि किसान जड़े लंबे संघर्ष के उपर खासकर पंजाबी जड़े निकल पे आ इन्हों शांत करने का समा आ गया आ। कैमरा परसन दक्ष सैनी के नाल ब्यूरो दीपक सैनी की खास रिपोर्ट।